अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, इस वक्त हम सीधू एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं। बहिफाजत हमारा जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे वो इस वक्त पहुँच चुके हैं और खुशी के मुकाम है और यहाँ हम आपको जी नाज़रीन, इस वक्त जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे, जो टूरिस्ट थे, उसमें दो फॉरनर्स भी थे, वो इस वक्त पहुंच चुके हैं और हम हिफाजत लैंड कर चुके हैं और ये हमारे साथ सारा फैमिली है और इसमें जो पेशेंट था और जो फॉरनर्स थे वो सबसे पहला हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी था। तो यकीनन हम सूबाई हुकूमत के साथ साथ DC जुनैद खान का भी मशकूर है कि उन्होंने हमारा मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बहिफाजत पहला हेलीकॉप्टर जो है वो कलाम से होके सीधू एयरपोर्ट पे उतर चुके हैं। यकीनन नाज़रीन बच्चों में ये खुशी के मुकाम है और लोग अपने घरों के साथ राबिता कर रहे हैं और यकीनन इसमें हमारे साथ दो फॉरनर्स भी हैं और वो काफी और यकीनन इस वक्त हम बहिफाजत एयरपोर्ट में लैंड कर चुके हैं और कुछ ही देर में हमारा ये मंजिल जो है वो खत्म होंगे। आज गालिबन 5 हेलीकॉप्टर जो है वो कलाम का सर्विस करेंगे और वहाँ से लोगों को पिकअप करके सीधू एयरपोर्ट पे उतारेंगे। यकीनन आखिरी मेहमान तक कलाम का ये ऑपरेशन जारी रहेगा चाहे वो एक महीना भी क्यों न हो। वज़ीर आला साहब का अहकाम है कि किसी को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होना चाहिए और बर वक्त इंतजाम करने के बावजूद भी मौसम थोड़ा ख़राब था जिसकी वजह से एक दिन डिले हो गया है, जिससे हम माजरत खाएँ और अब हमारा एयरपोर्ट का अगला सफ़र जो है वो जारी है और ये हमारा स्टाफ है। यकीनन इस वक्त आप बराए रास्त कलाम से हम पहुँच चुके हैं और यहाँ आपको हम बताते चले कि इस हेलीकॉप्टर में दो हमारे साथ फॉरनर्स थे और कोई 35 से 40 अफराद इस पर मुश्तमिल थे और यकीनन ये बच्चा किसका है जी? जी नाज़रीन बहुत खुशी के मकाम हैं और यकीनन फर्स्ट हमारा जो असाइनमेंट है वो पहुंच चुके हैं और अब बखीरियत से जो फैमिलीज हैं वो अपने घरों पे जाएंगे। यकीनन वेदर साफ होने के बाद ये सबसे पहला रिस्क ट्रिप है जो कि इस वक्त आप देख रही हैं और यकीनन यहां आपको हम बताते चले के हालात बिल्कुल बेहतर हैं और इस वक्त हम बराए रास्त कलाम से आपको अपडेट कर रहे हैं और यकीनन इसमें ये फॉरनर्स हैं ये बड़ी खुश हैं और हमें खुशी हुई है कि ये अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह सर संगे है खैर खैरियत है नम खरे रियल था लॉन्च था बोझ लॉन्च था फिलहाल लॉन्च था बोझ शावर था डॉक्टर
जी नाजिम से पता सो हूँ दल तो वलाड़ी सवाल वाड़ी सूबाई हुकूमत वजीर अला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान खसूसी तासु सरसुग निश्ता सामान साम आल तवर से वेटिंग रूम देखा बस आगा राजे जबदर सरवाल मजा ना ना पस जमा ले नस फक दे जे राजे देखो आ आ लंच तजे जी नाजरीन ये आप देख सकते हैं हमारा फॉरनर्स दोस्त भी हैं, यकीनन हमें खुशी हुई है कि सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच वर्सेज अच्छा ये बात नहीं करना चाहते हैं और इस वक्त हम लगा चलते रहे जी नाजरीन ये एयरपोर्ट हैं और यहाँ हम बखीरियत से लैंड कर चुके हैं लेकिन आखिरी मेहमान तक जो है ये ऑपरेशन जारी रहेंगे और इंशाल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं होंगे किसी को ना किसी को सिफारिश की करने का ज़रूरत पड़ेंगे लेकिन इंतज़ार थोड़ा आप लोगों ने करना पड़ेगा। और ये देखे बच्चे कितना खुश हैं जो कि इस वक्त अपने मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। ये आप देख रहे हैं हम जो वेटिंग रूम है वहाँ जा रहे हैं जो कि हम बहिफाजत से अपना अगला मंजिल जो है वो तय पा कर गए और बखैरियत से हम पहुँच गए। लाला राले मुबारक हो सर। बात करें बात करें बात करें ठीक है बाद में बात करते हैं। कैसा महसूस हो रहा है? हेल्प किया आप लोगों ने? मेरा ये बोलो बस भाई आप लोगों का ये जो है आप लोगों ने इतनी हम लोगों की हेल्प की और यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। उम्मीद नहीं थी और बहुत कुर्बानी गवर्नमेंट ने बहुत मेहरबान बिल्कुल बहुत कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई बिल्कुल आराम से 15 मिनट का सफ़र था और 15 मिनट में यहाँ पहुँच गए हम लोग इंशाल्लाह। मेहरबानी जी बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक खैर मुबारक खैर छोड़ दो बस अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं और इसके बाद हमारा ये आज का जो प्रोग्राम है वो इख्तिताम पज़ीर। सर इसको थोड़ा नज़र रखना है ना ठीक अच्छा, है अच्छा। हाँ ये किसी को किसी औरत को भी नहीं दे रही और ये हमारा मुअज़्ज़ज़ जो प्रोटोकॉल है और हमारा कमिश्नर साहब सॉरी असिस्टेंट कमिश्नर साहबान ने जो कि इस वक्त मेहमानों को फरिश्त कर रही हैं और अब गाड़ी की इंतज़ार हम कर रहे हैं जो कि हम बस टर्मिनल पे जो हैं यहाँ से जाएंगे।